This cartoon is brought to you by GFS Builders and Developers. अच्छी. लो भाई लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं होगी मुझे पता है सब अच्छा क्या पता है आपको गैब का इम है क्या फैजान भाई ये क्या कह रहे हैं आपको पता है गैब का इल्म क्या होता है मैंने तो वैसे ही बोल दिया फ्यूचर की खबरों को गैब की खबरें कहते हैं लोग कहते हैं तो मैंने भी कह दिया अच्छा लोग कुछ भी बोलेंगे आप भी बोलना शुरू कर देंगे चले घर चलकर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ प्यारे बच्चों इल्मे की डेफिनेशन ये है कि वो चीज जो हम छुपी हुई हो और हम उसे देखने सुनने सूंघने चखने और छूने से न जान सके और गौरविक करने से भी वो बात हमारी अकल में ना आ सके हमारे प्यारे नबी आलेही आलेही के में से आपका एक मजदा गैब भी है इस बात पर तमाम उम्मत का इतफ़ाक है इल्म जाती और हकीकी तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है मगर अल्लाह अपने नबियों रसूलों वगैरह में से जिसे देना चाहे ये गैब का इल्म आता फरमाता है अच्छा माशा तो क्या कुरान पाक में भी गैब के इल्म का जिक्र है जी बिल्कुल है अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर रहीम وما كان الله ليظلم يعقما على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من और अल्लाह की शान ये नहीं के ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे सुबह तो क्या हदीस पाक में भी गैब का जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों गैब की खबरें अपनी उम्मत को दी सही बुखारी शरीफ में है हजरत उमर फारूक रदील्लाते हैं एक परतवा प्यारे आका वसलम हम लोगों में खड़े थे तो आपने हमें मखलूक की पैदाइश से बताना शुरू किया हती के जन्नती अपने मनाजिल यानी स्टेज पर जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नम ही अपने ठिकाने पर जहन्नम में पहुंच गए जिसने इस बयान को याद रखा उसने याद रखा जो भूल गया सो भूल गया सुबह और प्यारे आका वसल्लम के इल्मे गैब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो हजरत अली रजी रजियाल के बारे में है के मौके पर एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह देगा वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं रावी कहते हैं लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में, में गुजारी के देखे किसको झंडा दिया जाता है सुबह हुई तो प्यारे आका व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अली कहाँ है लोगों ने अर्ज की उनकी आँखों में तकलीफ है हमारे आखिरी नबी अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आँखों में अपना लुआबे दहन यानी थूक मुबारक लगाकर दुआ फरमाई तो फौरन ही उन्हें ऐसी शिफा मिल गयी गोया कोई तकलीफ थी ही नहीं फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उन्हें झंडाता फरमाया और किले की तरफ रवाना फरमाया और फिर अल्लाह पाक ने हजरत अली के हाथ पर मुसलमानों को फते आता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझे आप कि ये कितना सीरियस मसला है इल्म इलम के बारे में कभी भी मजाक में बात नहीं करनी चाहिए जी बिल्कुल cartoon was brought to you by gfs builders and developers keep watching kids land